सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम बताने वाले हैं कि किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी को कैसे चलाते हैं। तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं भाई अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन पर, ये टॉप वेरिएंट है। और भाई ये है देखो ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक गाड़ी को कैसे चलाया जाता है वो बताते हैं भाई। हम पूरा बताएंगे स्कॉर्पियो एन में, लेकिन ये सारी चीज़ें भाई हर एक ऑटोमेटिक गाड़ी पर लागू होती हैं जिसमें भी ये सिस्टम हो। आप इसमें देखकर इजीली समझ पाएंगे कि किस तरीके से चलानी। तो पूरी डिटेल से आज बताने वाले हैं कि भाई ऑटोमेटिक गाड़ी को कैसे चलाया जा सकता है, और बहुत ईजी है भाई चलाना, कोई हार्ड नहीं है। तो नॉर्मली हम यहाँ से थोड़े से सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, तो वहाँ पर दिखाएंगे भाई कि इसको कैसे चलाते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी को। यहाँ पर थोड़ा सा रश है, तो थोड़ा सा जब लेफ्ट हैंड साइड को मुड़ेंगे तो बिल्कुल खाली रोड मिलेगा, तो वहाँ पर जाके हम फिर दिखाने वाले हैं आपको। ये देखो, तो आगे जाके वहाँ साइड में रोक लेंगे और फिर वहाँ पे पहले थोड़े से फीचर्स समझाते हैं आपको, और उसके बाद में फिर चला कर भी दिखाते हैं गाड़ी को, ठीक है। हम यहाँ रोक लेते हैं, यहाँ पर खाली रोड मिलेगा हमें, तो अभी दिखाते हैं भाई पूरा आपको डिटेल से। गाड़ी कर लेते हैं बंद हम, ठीक है, बंद क्या कर लेते हैं, चालू रहने दे, चलो पूरा दिखाएंगे भाई। ये देखो, मैं एक बार ना बंद कर लेता हूँ गाड़ी को, बंद हो चुकी है गाड़ी। ये देखो गाइस, ये है, इसमें ऑप्शन आते हैं देखो ऑटोमेटिक में, इसमें स्कॉर्पियो एन में ये पी पर है, ये पी मतलब पार्किंग, और आर मतलब रिवर्स यानी कि पीछे को चलेगी गाड़ी, और एन मतलब न्यूट्रल हो जाएगी। यहाँ पर गाड़ी को जब इसको कर देंगे यहाँ न्यूट्रल पे, तो भाई किधर को भी नहीं चलेगी गाड़ी। और ये है एम डी, तो डी से मतलब ये ड्राइव मोड पर आ जाएगी, तो फिर आगे को चलने लगेगी गाड़ी। और ये मैनुअल का ऑप्शन है, तो वो भी बताऊंगा कि इसे मैनुअल कैसे चला जा सकते हैं, लेकिन वो बताएंगे भाई हम अगली वीडियो में। फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह से ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाया जाता है, तो इसको स्टार्ट करते हैं अब। ये देखो, ये है भाई पुश स्टार्ट बटन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पार्किंग मोड पर गाड़ी को लेकर आना है। पार्किंग मोड पर ही गाड़ी स्टार्ट होगी और यहीं पर ही गाड़ी बंद होगी। अगर इसे पार्किंग मोड से और किसी मोड पर ले जाओगे तो गाड़ी बंद नहीं होगी और ना ही स्टार्ट होगी। ये स्कॉर्पियो एन में फीचर्स है, बाकी इधर गाड़ी में क्या फीचर्स है वो देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, और ब्रेक कैसे स्टार्ट होनी, देखो अगर हम एक बार दबाते हैं ना इसको, तो ये नॉर्मली ऐसे करके स्विच ऑन हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। अब हमने इसको दोबारा से दबाएंगे तो जब ये बंद हो जाएगी गाड़ी इस तरह से। अगर तुम्हें गाड़ी को स्टार्ट करनी है तो भाई एक ही बारी में आप ब्रेक पे पाँव रखो, इस तरह से ब्रेक पे पाँव रखोगे और उसके बाद में ये स्टार्ट वाला बटन दबाओगे ना, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी हो चुकी है अब स्टार्ट। तो अब तुम्हें कैसे चलाना भाई, ब्रेक पे पाँव रखे रहो, ये ब्रेक पे पाँव, मेरा पाँव रखा हुआ है, ये देखो ब्रेक पे पाँव रखे रहो, और इसको ना देखो इसके आगे ये बटन दे रखा होता है, ये शिफ्ट बटन, इसको दबाएंगे इस तरीके से, ऐसे दब जाएगा। तो इसको दबाया और पीछे को ले लिया भाई रिवर्स पे, ये आ गई रिवर्स पे। तो अब अगर रिवर्स पे चलाओगे तो भाई ये देखो कैमरा चालू हो गया इसमें रिवर्स का, पीछे को चलने लगेगी। अगर मैं ब्रेक पे से पाँव हटाऊंगा तो रेस देने की कोई जरूरत नहीं है, पीछे को अपने आप आने लगेगी रेस पे से पाँव हटाऊंगा तो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे चलानी है गाड़ी, तो क्या करना है, इसको नॉर्मली ऐसे ही बिना पुश करे हम इसको आगे ड्राइव कर सकते। एक बार करा तो ये भाई न्यूट्रल पे आ गई, अब मैं ब्रेक भी छोड़ दूं, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। फिर ब्रेक दबाया मैंने तो इसको पीछे कर लिया ड्राइव मोड पे। अब नॉर्मली मुझे हल्के हल्के ब्रेक छोड़ दो और अपने आप चलती रहेगी गाड़ी भाई, रेस देने की भी जरूरत नहीं है, हल्के हल्के चलती रहेगी। अब मुझे अगर स्पीड अप करनी है ना तो मुझे रेस देनी है, अब मैं जैसे रेस देता रहूंगा वैसे ही स्पीड में ये गाड़ी आती रहेगी। तो बहुत ईजी है भाई, नॉर्मली क्या करना है, पी मोड से डायरेक्टली आप इससे डी मोड पर लेकर आ सकते हैं। पी मोड पर जैसे गाड़ी लगी हुई हो, शिफ्ट वाला बटन दबाओ ये वाला, और डायरेक्टली पीछे को खींच दो, और पीछे को खींच दोगे डी मोड पर आ गई, ब्रेक छोड़ो हल्के हल्के चलने लगेगी गाड़ी बिना रेस के ही। और फिर भाई उसके बाद एक्सीलेटर पे जितना पाँव रखोगे उतनी गाड़ी आगे को भागती रहेगी, ये देखो। और अपने आप गियर शिफ्ट होंगे, इसमें मोड ये लिखा हुआ आ रहा है देखो डी, तो ये ड्राइव मोड पर है। इसमें अब तुम्हें ये शो नहीं करेगा कि कौन से गियर में चल रही है, जैसे रिक्वायरमेंट होगी गाड़ी अपने आप ही उस गियर में आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक का यही फायदा हो, कोई भी लैक नहीं मारती है, कोई कुछ नहीं कि किसी को ये लगे कि यार भाई कोई दिक्कत तो नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली चलाओ, आपको स्पीड लेनी, जैसे बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि भाई एक मिनट यार कॉल आ रही है किसी की, पहले बात कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। सो गाइस, अभी कॉल आ गई थी तो इस वजह से हमने ये क्या कहते हैं रोक दी थी वीडियो। अभी अच्छा इंडिकेटर का सीन आ रहा है, इंडिकेटर हम बंद कर लेते हैं। तो मैं कहाँ पर था गाइस, मैं बता रहा था भाई हाँ कि आप जैसे स्पीड में चलाते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं। देखो अभी मैं नॉर्मली चल रहा हूँ, जैसे ये रेड लाइट खुलेगी ना जब दिखाऊंगा, और बाकी चीज़ रेड लाइट आ गई, नॉर्मली ब्रेक लेऊंगा, रेस पे से तार हटा दिए, मतलब तार कह रहा हूँ सॉरी, रेस पे से पाँव हटा लिया और अपने चल रही गाड़ी नॉर्मली इसी तरह से। भाई इसमें अपनों को सेकंड उसकी ज़रूरत होती नहीं, देखो ये ऑटोमेटिक इसमें ऑन ऑफ होने का सिस्टम है कि जैसे हम थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकते हैं तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाती है गाड़ी, तो उसको
एक बेनिफिट ये रहता है, जैसे रेड लाइट पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं ना, तो वो अपना पेट्रोल बचा लेती है इतना। तो ये फीचर्स है इसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड टॉप वेरिएंट में, लो वेरिएंट में है कि नहीं ये पता नहीं। तो गाइस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको जैसे थोड़ी सी स्पीड अप करना है ना, बस कुछ नहीं करना भाई, एक्सीलेटर को तेज दो, ये देखो तेज भागने लगी गाड़ी। तो नॉर्मली ऐसी कोई लैक नहीं मारती, कोई कुछ नहीं, क्या ऐसे लगे कि भाई ओवरटेक करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कुछ नहीं होगी भाई। ओवरटेक भी करके दिखाऊंगा मैं अभी आपको कि ओवरटेक करना भी कितना ईजी है, कोई गियर चेंज करने की जरूरत नहीं। अभी हम रोक लेते हैं, रेड लाइट हो गई है तो यहाँ रोक लेते हैं। अब देखो मैं जैसे रोकूंगा ना, देखो गाड़ी बंद हो गई अपने आप ही, ऑटो वर्जन लगा हुआ है। ये देखो ऑटो स्टार्ट, ये इसमें शो धुंधला धुंधला आ रहा है, ये बटन है गाइस इसमें यहाँ पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप का। तो देखो सिग्नल ग्रीन हो गया सामने जाने का, लेकिन ये टेम्पो वाले शायद राइट हैंड में जाएंगे, इस वजह से नहीं जा रही है। तो अभी ना एक बार हॉर्न मार के देखते हैं, अगर सामने जाने वाले होंगे तो चले जाएंगे, नहीं जा रहे भाई हम इधर को लेफ्ट टर्न ले लेते हैं। लेकिन लेफ्ट को ना गाड़ियाँ चल रही हैं अभी, देखो चलने लगी भाई। ऑटो वालों को अभी पता नहीं है कि सामने का इंडिकेटर चल जाए तो सामने को चल सकते हैं, तो चल रहे हैं अभी सामने को। इसे पहले क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद में दिखाएंगे और जी। गाइस तो क्रॉस कर लिया, आप देखो अब मैं जैसे जैसे किसी को भी ओवरटेक करना है भाई, नॉर्मली मैं स्पीड अप कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ भाई, सिर्फ ओनली एक्सीलेटर दे रहा हूँ। और एक चीज़ और भाई, ऑटोमेटिक गाड़ी को कभी भी दो पांव से चलाने की कोशिश नहीं करें, ये बहुत सी मिस्टेक होती है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता। ये देखो इधर कार चल रही है, मैं इससे ओवरटेक करूँ भाई। ये देखो इधर बाइक भी चल रही है, मैं नॉर्मली रेस बढ़ाई, स्पीड अप कर ली और भाई ओवरटेक कर ली। हाँ तो गाइस ये बता रहा था, ये जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है इसको एक ही पांव से चलाया जाता है, दूसरा पांव बिल्कुल फ्री रहता है हमारा। एक सही भाई तुम्हें रेस देनी है और एक सही ब्रेक लगानी, जैसे कि नॉर्मल गाड़ियों में करते हो। बस ये जो क्लिच है, क्लिच मेंटेन कुछ नहीं करना, क्लिच इसमें होता ही नहीं है, तो अपना लेफ्ट वाला पांव फ्री रखना है। ऐसा कभी नहीं करना है कि रेस दे रहे हो एक पांव से और एक पांव से ब्रेक मेंटेन कर रहे हो, नहीं होगा भाई, ऐसे एक्सीडेंट कर लोगे और कुछ भी नहीं होगा। तो नॉर्मली आपको एक ही पैर यूज करना है, तो उसी से एक्सीलेटर दो, उसी से ब्रेक दो, जैसे कि मैनुअल गाड़ियों में करते हो। तो चलते हैं अभी आगे, हमें चलना है आगे, ग्रीन सिग्नल होए हुआ है, तो बढ़ाते हैं भाई आगे को। ट्रक वाला क्यों रोक रहा है भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ भाई। देखो ये टेम्पो वाले भाई गड़बड़ करा देते हैं, इतना हॉर्न मार रहा हूँ जब भी नहीं रुक रहा। देखो इधर जाना है, लाइट उधर की चल रही है, फिर भी इधर को घुसाया जा रहा है। तो भाई बहुत इजी है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर अगर कोई भी भाई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और लगभग मैं मानता हूँ सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो कोई भी और चीज़ रह नहीं गई है ऑटोमेटिक में, क्या कैसे चलाते हैं। तो भाई देखो कोई सी भी गाड़ी हो तो उसमें डी मोड लिखा हुआ होता है, यहाँ पर डी मोड पर ले जाओ और नॉर्मली चलाओ, और पीछे करने के लिए रिवर्स यानी आर बन हुआ होता है, आर मोड पर ले जाओ, जैसे आर पर डालोगे और ब्रेक छोड़ोगे तो हल्के हल्के पीछे को होने लगेगी, जितनी रेस होगा उतनी तेजी से पीछे को होने लगेगी। और फिर आपको डी पे चलानी है तो भाई, यानी कि आगे को बढ़ानी तो डी मोड पे डाल दो गाड़ी को, ये हैंडल अपना आगे पीछे, तो वैसे कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, नॉर्मल से आगे पीछे चला सकते हो, कुछ झंझट नहीं है भाई, बहुत ईजी है मैनुअल के मुकाबले ये चलानी। तो गाइस आई होप आप सभी को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं गाइस एक चीज़ ज़रूर बताया करें कि अपनी गाड़ी कैसी लग रही भाई, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। अगर जिसको भी भाई पसंद आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में स्कॉर्पियो एन लिख दो और लव वाला सिंबल भेज दो। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।